हेलो नमस्ते, आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ क्यों तो, ये मेरा यहाँ से निम से एक बिजनेस ट्रिप है, एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ मैं हिरोशिमा के पास फुकुओका। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ बुलेट ट्रेन से, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा बुलेट ट्रेन में, यहाँ की बुलेट ट्रेन में, जो एक टाइम में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी। वैसे इसे बुलेट ट्रेन बोलना गलत होगा, क्योंकि पहले जब ये बुलेट ट्रेन बनी थी, इसका जो बुलेट ट्रेन नाम पड़ा था वो क्योंकि इसकी शेप जो है, जो इसकी सामने से शेप होती है ट्रेन की, वो बुलेट जैसी थी। ये जो ट्रेन है, इसका जो जैपनीज नेम है वो शिनकानसेन है, और ये शिनकानसेन वर्ल्ड की पहली बुलेट ट्रेन थी, फास्टेस्ट ट्रेन थी उस टाइम पे 64 के आसपास। फिर कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये जो ट्रेन है, ये जो बुलेट ट्रेन है, ये काफ़ी ज़्यादा टनल से होके निकलती है, और टनल से में जो एयर की वजह से प्रेशर डिफरेंस आता है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी जो आसपास रहते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ और वाइब्रेशन क्रिएट करता था। तो उसकी वजह से इन्होंने जो इसके इंजीनियर थे, 1997 में एक मीटिंग में जो इसके इंजीनियर थे ईजी सान, वो डिस्कस कर रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि वो इंजीनियर के साथ साथ वो एक बर्ड वॉचर भी थे, बर्ड लवर थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी बर्ड्स की। तो उनको पता था कि जो किंगफिशर है, किंगफिशर बर्ड होती है, वो एक ऐसी बर्ड है, किंगफिशर की बीक होती है वो काफ़ी ज़्यादा पैनी होती है, तो जिसकी वजह से वो पानी में बिना पानी को स्प्लैश किए वो पानी से फिश पकड़ लेता है। तो उन्होंने उसका आइडिया उन्होंने लगाया कि दे कैन यूज़ दैट डिज़ाइन। तो उन्होंने उस डिज़ाइन के बेसिस पे ये शिनकानसेन जो ये नाज़ोमी है, इसकी शेप उससे इंस्पायर्ड है किंगफिशर बर्ड से। तो फाइनली इस नए डिज़ाइन की वजह से इसका एयर प्रेशर और रेजिस्टेंस दोनों ही कम हो गए, और इसकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई 200 किलोमीटर पर आवर से 320 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिज़ाइन था जिसने इनकी इमेज को पूरे वर्ल्ड में और ज़्यादा अच्छा कर दिया। दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि इसका नाम बुलेट ट्रेन अब नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सब लोग इसे बुलेट ट्रेन ही बोलते हैं। ये शिनकानसेन ट्रेन का काउंटर है, और मुझे जो टिकट पड़ी है ये 15,000 जैपनीज येन की पड़ी है, और ये ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे। Here we go, स्पीड देख रहे हो इस ट्रेन की। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, शिनकानसेन से पहले नॉर्मल ट्रेन्स में जो टोक्यो से क्योतो पहुँचने में अराउंड 6 घंटे लग जाते थे, और अभी इस शिनकानसेन में अराउंड 2 घंटे 20 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। सो बहुत फास्ट कर दिया ट्रेवल को। मैं पहुंच गया हूँ स्टेशन पे, टोक्यो स्टेशन पे, और ये जो पीछे बुलेट ट्रेन है ये नोज़ोमी शिनकानसेन है यहाँ की, ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। यहाँ पर अलग अलग बुलेट ट्रेन्स हैं, इसकी स्पीड अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर है, तो काफ़ी देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, बट आई मीन दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस शिनकानसेन। यहाँ पर जापान में लोग इसे शिनकानसेन के नाम से जानते हैं। नाउ लेट्स बोर्ड द ट्रेन। ट्रेन के जो वॉशरूम्स हैं बिल्कुल फ्लाइट के जैसे हैं, सो क्लीन एंड सो एडवांस। इस ट्रेन में पूरी फ्लाइट वाली फील है कि जैसे फ्लाइट से जा रहे हैं कहीं पे। 10 मिनट में चलने वाली है ट्रेन। और ये विंडो सीट लेने का एक मोटिव था मेरा, वो बताता हूँ आपको। आई होप माउंट फुजी का नाम सभी ने सुना ही है। माउंट फुजी यहाँ का जापान का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, और यहाँ से इसका व्यू दिखता है जब टोक्यो से ये ट्रेन निकलती है। अराउंड 44 मिनट्स के बाद इसका माउंट फुजी दिखता है इस ट्रेन से, जो कि बहुत प्यारा व्यू होता है। सो इफ़ यू एवर ट्रेवल बाई दिस ट्रेन, तो इसमें अगर उसका व्यू देखना है तो सीट नंबर ई लेनी पड़ेगी, जो विंडो की तरफ होती है राइट हैंड साइड में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसके राइट हैंड साइड में आपको सीट लेनी पड़ेगी। इस ट्रेन की स्पीड सिटी में थोड़ी कम होती है, अभी ये टोक्यो के अंदर ही है, टोक्यो से बाहर निकलने के बाद थोड़ी इसकी जो स्पीड होती है अराउंड 280-290। अब ये ट्रेन टोक्यो से बाहर निकल चुकी है, काफ़ी आगे आ चुकी है, अब इसकी स्पीड 281 और 2 के आसपास ट्रैक हो पा रही है। नाउ लेट्स एंजॉय द व्यू।
ये सामने जो दिख रहे हैं ये है माउंट फूजी। बेसिकली आज जो इसका मोस्टली टॉप है वो बादल में है, मीन्स आज मौसम काफ़ी क्लियर नहीं है इसलिए इसका व्यू नहीं दिखेगा। इट्स ओके, हर बार लक अच्छा नहीं होता, कभी कभार चलता है। अब सीधा माउंट फूजी क्लाइंब करेंगे। एक्चुअली इस बार मेरा जाने का प्लान था, जो ये माउंट फूजी होता है इसका जो ट्रैकिंग होती है केवल ओपन होती है 1 जुलाई से 10th of September तक। उसके अलावा जो बाकी महीने होते हैं वहाँ पर स्नोफॉल होती है तो उस पर जाना अलाउड नहीं। वैसे बाहर देख के फील नहीं होता कि इतनी स्पीड में चल रही है ये ट्रेन, अराउंड 283 किलोमीटर पर आवर। सो फाइनली अबाउट टू रीच। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो सी यू इन क्योटो, सी यू, बाय, टेक केयर।